अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्प्रिंग 2022 का एकेडमिक कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है, जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं स्टूडेंटों के ऑप्शन पे एंड एकेडमिक कैलेंडर पे क्लिक करें। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और वो आपकी जो कोर्स सिलेक्शन की डेट है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट होगी। इट मींस कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 22 से 23 के दरमियान में आएगा, ठीक है, क्योंकि कोर्स सिलेक्शन है वो 3-4 दिन बाद ओपन की जाती है। उसके बाद में जो आपका स्टडी प्रोग्राम को चेंज करने का था, जो उसका प्रोग्राम को डेट उसकी, वो भी 5 मई कर दी गई है, और आपकी जो क्लासेस है वो इंशाल्लाह 9 मई से आपकी स्टार्ट होंगी, ईद उल फितर के एक हफ़्ते बाद, ठीक है। तो आपकी ईद में आपकी जो छुट्टियां ही होंगी, आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी। तो जिनका न्यू एडमिशन हुआ है या ऐसे स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, इन तमाम की जो क्लासेस हैं वो 25 अप्रैल की जगह 9 मई से स्टार्ट होंगी। बाकी ये तमाम जहां पे आपको डिटेल्स देखी जा सकती हैं कि सेमेस्टर अनफ्रीज करने की डेट भी 19 मई है, और आपका जो कोर्स सिलेक्शन का लिंक जो है वो 19 मई तक ओपन रहेगा, और अपने कैंपस को भी आप 9 जून तक चेंज कर सकते हैं, और आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो ईद उल अज़हा के बाद स्टार्ट होंगे, जो कि 16 जुलाई से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जबकि आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है वो आपके 19 सितंबर से स्टार्ट होंगे। आपका फाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह 19 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा। बाकी जो हमें देखने वाली चीज़ यही है कि आपकी जो क्लासेस हैं मेन वो 9 मई से स्टार्ट होंगी, और बाकी आपके जो कोर्स सिलेक्शन है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। होप फॉर द बेस्ट टू ऑल वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर देयर रिज़ल्ट एंड देयर क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।